तो दोस्तों अभी हम लोग तुरसा रिवर के साइड में बैठे हुए, बढ़िया नजारा है। पीछे आप लोगों को फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। इधर हम लोगों ने बाइक को खड़ा कर लिया है और मैं यहाँ पे नहा धोवा के रेडी हो गया हूँ और अभी मैं ब्रश करने वाला हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ फिर पड़ा, तो इस समय मैं ब्रश नहा धो के तो रेडी हो गया हूँ, फिर अभी केवल ब्रश करना है। तो चलिए ब्रश कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्रश ले लिया है, तो चलिए ब्रश करते हैं। बहुत ही ताजगी मिलता है ब्रश करने से, तो ब्रश कर लेता हूँ। उसके बाद में ब्रश को भी ब्रश करना है, उसके बाद में तो फाइनली दोस्तों मैंने अभी ब्रश कर लिया, मुख भी धो लिया है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश लग रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अब गाड़ी को भी साफ कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही नया लग रहा है देखने के लिए। तो आज इसी बाइक में हम लोग बिरपड़ा जाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी गाड़ी पूरा साफ कर लिया है और बहुत ही नया लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी बाइक से आज मेरे दोस्त के साथ हम लोग जाने वाले हैं बिरपड़ा के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फाइनली रेडी हो चुका हूँ यहाँ पर, मैं देख सकते हैं यहाँ पर बाइक भी रेडी है। तो अभी मेरा दोस्त भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं उधर। तो आज हम लोग दोनों जाने वाले हैं बिरपड़ा, और अभी यहाँ से लगभग हम लोगों को 45 मिनट लगेगा जाने के लिए, क्योंकि बाइक में जा रहे हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में, तब तक ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। फाइनली दोस्तों इस समय मैं तुरसा नदी पहुंच चुका हूं। तो आप लोग देख सकते हैं उधर तुरसा ब्रिज दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो अभी मैं आप लोगों को वहां से आप नज़ारा दिखाने वाला हूं। तो काफ़ी सामने बहुत ही अच्छा नज़ारा यहां से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहां से तुरसा नदी का नज़ारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर। आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश है, देख सकते हैं पीछे आप लोगों को हरा भरा जंगल नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ से तुरसा नदी का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, यहाँ देख सकते हैं आप नज़ारा का मज़ा लेते हुए यहाँ पर। तो ये हम लोगों का तुरसा रिवर है, तो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं, फिर आगे बिरपड़ा के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये तुरसा रिवर है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। मोबाइल लागे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है तुरसा रिवर से यहाँ पर व्यू, इस साइड से आप लोग देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है। यह हम लोगों का तुरसा रिवर है, तुरसा रिवर। तो देखिए नदी कितना सुंदर धारा में बह रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दूर आप लोगों को यहाँ से पहाड़ नजर आएगा, काफी सुंदर नजारा है यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं इधर से गाड़ी आ रही है, बहुत सुंदर
आप लोग को नजारा देखने के लिए मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं इधर से पूरा का पूरा भूटान पहाड़ दिखाई देता है और सामने छोटा छोटा गांव है, तो काफी सुंदर नजारा है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इधर कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, तो शायद ये ब्रिज डिपार्टमेंट वाले हैं चेकिंग करते हुए। काफी पुराना ब्रिज है तुरसा ब्रिज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी हम लोग तुरसा रिवर के साइड में बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नजारा है। पीछे आप लोगों को फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। इधर हम लोगों ने बाइक को खड़ा कर लिया है और आप लोग ये जो रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी आप भी पड़ा जाती है, यही रास्ता ये हम लोगों का नेशनल हाईवे पिरपड़ा को जाती है, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इस साइड में तुरसा रिवर का नजारा दिखाई दे रहा है पीछे, तो अभी हम लोग बिरपड़ा के लिए निकलने वाले हैं। तो यहाँ जो भी नजारा था आप लोगों को मैंने दिखाया, तो चलिए आप लोगों से आगे मिलते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो जितना भी यहाँ पर शूट करना था ब्लॉग कर लिए हैं, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो काफी बढ़िया जगह है, आप लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। सामने ही एशियन हाईवे है, नजारा है हरा भरा यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग इस साइड से बिरपड़ा जाने वाले हैं, तो बिरपड़ा जाने के लिए लगभग हम लोगों को अभी 45 मिनट का रास्ता लगेगा। और इधर मेरे दोस्त को आप देख सकते हैं फोटो क्लिक कर रहा है, तो चलिए चलते हैं अभी बिरपड़ा के लिए।